आइए आज आप लोगों को कुछ बिहार के रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में 2019 के अक्टूबर महीना में एक रिकॉर्ड आया था जिसमें बिहार शिक्षा व्यवस्था में नीचे से दूसरे स्थान पे थे, यानी कि 28 राज्यों में 27वां स्थान था। उसके बाद 2023 में एक रिपोर्ट आया जिसमें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरे देश में 19वां स्थान मिला। अब बिहार एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है, वो रिकॉर्ड हमारे सामने पुल ढहने की समय रेखा की रिकॉर्ड। एक दिन में 5-5 पुल बिहार में ढह जाते हैं, यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड। और सारण में एक ही दिन में 3 पुल ढहते हैं, वो भी 1 घंटे के अंतराल पे। कब और कौन से जगह कौन सी पुल गिरी है उस पर कुछ नजर डाल देते हैं। पहला दिन पुल ढहा था 18 जून को, वो ढहा था अररिया में। और उसके बाद अररिया की खबर जैसे ही सोशल मीडिया समेत तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी, उसके बाद 3 दिन तक बिहार में पुल नहीं गिरे। और फिर अगले 22 तारीख को, यानी कि पिछले महीने में 22 जून को फिर से पुल गिर जाता है। वो पुल गिरता है सिवान में। सिवान की चर्चा सोशल मीडिया, अखबार, तमाम टीवी टेलीविजनों में चलाए गए। उसके बाद अगले दिन फिर से पुल गिरा, क्योंकि खबर कुछ ना भी चल जाए, भ्रष्ट इंजीनियर जो है बिहार में भ्रष्टाचार की सीमा अव्वल दर्जे पे ले जाएंगे। और नीतीश बाबू जो है हमारे कुर्सी पे बैठ के आदेश दे देते हैं, आदेश का पालन कौन करेगा। डीएम साहब जांच में जाते हैं और जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आता है सभी के सामने रखते नहीं है। फिर 23 तारीख की घटना, जैसे ही पूर्वी चंपारण में पुल गिरने की हुई, मामला 3 दिनों के लिए ठप हो गया। सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन, तमाम नेता इस पे विरोध करने लगे कि बिहार में कैसी सरकार है कि आए दिन पुल गिरती है। लेकिन यह मामला फिर भी थमने वाला नहीं था और 3 दिन बाद 26 तारीख तक पुल नहीं गिरा। और 27 तारीख को, 27 जून को फिर से बिहार के सीमांचल एरिया किशनगंज में फिर से एक पुल गिर जाती है और अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, टेलीविजन की सुर्खियां बन जाती है। तेजस्वी यादव भी इसके विरोध करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खुल के विरोध सोशल मीडिया पे करते हैं, टेलीविजन पे करते हैं, अखबारों में करते हैं, लेकिन कहीं घटनास्थल पे अभी तक तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी नहीं गए। उसके बाद जैसे ही 27 तारीख की किशनगंज की पुल गिरने की घटना सामने आई, उसके बाद अगले दिन भी अखबारों की सुर्खियां चाहिए, टेलीविजन की सुर्खियां चाहिए, सोशल मीडिया की सुर्खियां चाहिए। तो बिहार में सुर्खियां है ही क्या? बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो वैसे ही 19वें पायदान पे था, अभी फिलहाल 7वें स्थान पे है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है। अब रह गई पुल की समस्या। लगातार आए दिनों बिहार में पुल गिर रही है और फिर से 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में पुल गिर गई। मुजफ्फरपुर के बाद 3 जुलाई, 4 जुलाई और लगातार पुल गिरती रही। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 3 जुलाई को सिवान में 3 और सारण में 2। बोले ना, एक दिन में बिहार में पुल गिरने की जो रिकॉर्ड है, एक दिन में 5 पुल गिरने की रिकॉर्ड, ये भारत में सर्वश्रेष्ठ पुल गिरने की रिकॉर्ड है। इसके बाद आ जाइए 3 जुलाई को सिवान और सारण में तो गिरा ही था, लेकिन 4 जुलाई को फिर से सारण में पुल गिरती है और ये रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। आज तारीख है 4, यानी कि 4 जुलाई को, यानी आज ही के दिन फिर से सारण में पुल गिरा है और ये रिकॉर्ड है 17 दिनों में बिहार में 12 पुल गिरने का। नीतीश कुमार आदेश तो दे दिए हैं कि बिहार में जितने पुल बन रहे हैं सभी पुलों का जांच किया जाए, लेकिन वो जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या ऐसे इंजीनियरों का, ऐसे ठेकेदारों के ऊपर और जिस जिला में पुल गिर रहा है उस जिलाधिकारी के ऊपर, वहां के विधायक के ऊपर, वहां के सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर से अखबार में आएगा कि जांच हुआ, जांच रिपोर्ट यह है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा और फिर से बिहार में जो पुल टूटने का रिकॉर्ड बन रहा है यह एक रिकॉर्ड बनता ही जाएगा। आप लोग भी गूगल कर सकते हैं और गूगल पे देखिएगा, अक्टूबर का रिपोर्ट है। अभी फिलहाल मेरे पास तो पुल का रिकॉर्ड है ये, लेकिन आप लोग सर्च कर लीजिएगा, बिहार में 23 अक्टूबर को शायद रिपोर्ट आया था 2019 में, जिसमें बिहार नीचे से दूसरे स्थान पे था शिक्षा व्यवस्था में। बार बार बात कर रहा हूं शिक्षा व्यवस्था को, इसलिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपर थी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपर थी, लेकिन अब पुल गिरने का जो रिकॉर्ड है, शिक्षा के रिकॉर्ड, स्वास्थ्य के रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। क्या लगता है आप लोगों को, आज 4 तारीख को तो पुल गिर गया है, कल 5 तारीख है, कल क्या फिर कोई पुल गिरेगा? 6 को भी पुल गिरेगा, 7 को भी पुल गिरेगा? आप लोग के क्षेत्र में भी जो पुल ढहने वाली है उसकी जानकारी हम लोग को दीजिए, जिसके लिए हम लोग आगे की अपडेट आप लोगों के सामने रखेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।